नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पहाड़ न जाने कितनी सदियों से इंसान को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हम इस इंतजार में हैं कि तुम लोग इतने ऊंचे बन जाओ जितने के हम हैं। इन्हीं पहाड़ों में इंसान उस ऊंचाई तक पहुंचा जहां हर ऊंचाई खत्म हो जाती है। इन्हीं पहाड़ों के जिगर काटकर एक पवित्र नदी निकली, गंगा। इन्हीं पहाड़ों की गोद में एक सीधी सादी लड़की ने परवरिश पाई, जिसे हालात तो गंगा से घसीट कर दूर ले गए, लेकिन गंगा उसके साथ साथ गई। वही गंगा ज्यों ज्यों गंगोत्री से दूर होती जाती है, उसके किनारों के शहरों का गंध उसमें शामिल होता जाता है। उस लड़की और गंगा में इतना ही फर्क है कि उसकी पवित्रता में इंसान अपनी नियत का गंध उंडेलता है। गंगा और हिमालय के इस देश में जब भी लाजवंती देवियों की जिंदगी में लोगों ने अपने जिस्मों की भूख शामिल की, गंगा मारे शर्म के पानी पानी होती गई, और वो देवी लाजवंती एक सीधी सादी लड़की से बदलकर दुर्गा बनती गई। गंगा, उसके किनारे बसे गांव की वो सीधी सादी लड़की और दुर्गा, ये कहानी इन तीनों की है। हमें अगर इन तीनों में से दो दिखाई नहीं देंगी तो इसकी वजह हमारी कम नजरी ही होगी। यहां दिलों का मैल धुलता है, यहां नियतों को नेकी मिलती है, यहां जिंदगी को आदर्श मिलता है। यहां रूहों को रोशनी मिलती है। राम 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 राम, का दिखावत है परमात्मा, कैसन मोहल्ला है। और यहां जिंदगी नंगी नाचती है। यहाँ तो एक रात खत्म होती है, दूसरी शुरू।
माल मिलता है, भोली भाली गोरी काली नीली नीली आंखों वाली चंपा काली, पांच से लेके 500 तक का माल मिलेगा। अरे कौन है? रामू उस्ताद, कसम तेरी जवानी की, ये सेठ लोग अपन का फैमिली ग्राहक है। क्यों बे, लगा दिया ना चुना, चलेगा। चलिए सेठ जी, आपको ऐसा दिखाता हूँ नगीना जिसे देखकर आपको आ जाएगा पसीना, क्योंकि ये है मार्च का महीना। डबल चुना सुपारी पीली हम सभी का पान जाना सेठ हीरालाल जी, बहुत दिन बाद आता बोले। अरे राजा भोले दोस्ते तो कहीं और जाते हैं, जहाँ चंपा भाई तो बोल हम। अरे सरकार बिंदास गया। हुजूर के लिए पान। जय हो चंपा मैया की। चंपा भाई, हो चंपा भाई, सेठ जरा आ गए। ए गुलाबो, जल्दी से गुलाबी का इंतजाम कर। रहे नसीब सेठ साहब, आदाब। कान आपकी आहट को और आंखें मुस्कुराहट को तरस गई थी। हाय हाय, क्या बात है चंपा भाई, दिन ब दिन जवान होती जा रही हो। सेठ जी, आपकी इन्हीं बातों ने बंदी को जवान बना रखा है, तशरीफ लाइए। ये है हमारे नवाब दारा साहब, तीनों का व्यवहार करते हैं, एक इलेक्शन हार चुके हैं, दूसरी की तैयारी में। और तुम्हारे पास तजर्बा हासिल करने के लिए आए। मैं मतलब नहीं समझी। ये इन कोठों को उजाड़ के तुम सबको कोठियों में बसाना चाहते हैं। हुजूर का आना जाना बंद हुआ तो ये कोठे यूं ही उजड़ जाएंगे। रही बात कोठियों की, तो सुना है कुछ कोठियों में और इन कोठों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। क्या बलासी गई है चंपा भाई? जी 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 जी, हुसन से इंकार नहीं, फिर वही पुरानी देखी वाली सूरतें, बताओ जी इस कतरे को। सेठ जी, किसी दिन इससे भी पुरानी शराब अछूते हाथों से। वाह वाह वाह, आज वो लखनऊ नगर ले आज। आप सब इतना भी ना हंसाओ कि आंख से आंसू निकल पड़े। गुंचे तेरे अंजाम पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा कि इस चमन में ए बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। भाई जी ने बुलाया है। क्यों? सेठ हीरालाल जी आए हैं। ठहर। गुलाब सुन तो। अच्छा नरगिस, खुदा हाफिज। मैं ना कहती थी सादा हंसने के बाद रोना पड़ता है, बस रुलाने के लिए चल दिए ना। बात को समझा करो नरगिस। तुम्हें मेरी कसम, जो एक कदम बाहर निकाला तो कह देना मेरी रात मेरे आफ्ताब ने खरीद ली है। ये रुपए भिजवाए हैं, कहा है कि शायर के बच्चे ने दिए हैं और रात यही रहेगा, यही कहा है ना। जी ठीक है, मैं इन दोनों से निपट लूंगी। अगर तुमने ये कीमत चुका कर मेरे और अपने प्यार को जलील कर दिया है नरगिस। मुझे बख्श दो आफ्ताब, मैंने रात भर की जिल्लत को टाला है। पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये रातें कभी खत्म नहीं होंगी, और फिर यही जिल्लत तुम्हारा कभी ना बिछड़ने वाला लिबास बन जाएगा। उस वक्त क्या करोगी? यही सवाल मैं अपने तकदीर से पूछती हूँ, जवाब में वो मुझे एक ग्राहक भेज देती है, और मैं रात भर उसके हाथ बिकने के बाद अपनी नसरों में और भी गिर जाती हूँ। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम्हारी जगह ये नहीं, इस जिंदगी से तुम्हारा दिल तो फिर चुका है, अब हमेशा के लिए आंखें भी फेर लो और चलो मेरे साथ एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार की कीमत सिर्फ प्यार, मोहब्बत का जवाब सिर्फ मोहब्बत होगा। मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुमसे पहले मेरी उम्र का एक छोटा सा हिस्सा यहां गुजरा है, मेरा एक वक्त यहां गुजरा है, उम्र का वो हिस्सा यही रह जाएगा, लेकिन वक्त साये की तरह मेरे साथ साथ जाएगा।
मेरी जिल्लत और बदनामी तुम्हारी जिल्लत और बदनामी बन जाएगी। तुम उजड़ जाओगे, और अगर तुम उजड़ने से बच भी गए तो यहां वालों का इंतकाम तुम्हें जीने नहीं देगा। मैं मर जाऊंगा, तुम रह जाओगी। तुम मर जाओगी, ये दुनिया रह जाएगी। ये दुनिया हमेशा रहती है। इंसानों के साथ उनकी शराफत और सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती नरगिस। तुम मेरी फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें पाकीज़गी की बुलंदियों तक पहुंचने की तड़प दी है वही मुझे हर खतरे का मुकाबला करने की ताकत भी देगा। आओ, उसी का सहारा लेकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन बुलंदियों तक उड़ चले। बोलो क्या जवाब है? मैं तैयार हूं, कल प्रभात होते ही हम यहां से चले जाएंगे। सुबह सुबह इतनी क्यों पी लेते हो कि ट्रक भी दिखाई नहीं देता है? मर गया ना फोकस में। हराम सादी कमीनी, क्या इसी दिन के लिए तुझे खरीदा था? ढेर सारे रुपए खर्च किए थे। अरे अभी तक तो हमारा ब्याज वसूल नहीं हुआ और तू भागी चली जा रही थी। जानती नहीं यहाँ आने के रास्ते हजार हैं और जाने का कोई नहीं। तुम लोगों ने उसे मार डाला। तुम लोग खूनी हो, खूनी हो, खूनी हो। तुम शरीफ बनने जा रही थी, अब यह हंटर तुम्हारी शराफत को नंगा ले जाएगा।
कमाल का रंग जमाया है। महीने में दो चार महफिलें और जम जाएं, तो वारे न्यारे हो जाएं। ये लो तुम्हारा इनाम। रहने दो चंपा बाई, अभी तो मुझे यहाँ के बहुत कर्ज चुकाने हैं। क्या ठसका है। ये नरगिस के एक मुजरे की कमाई है, कुछ समझे? बात का जन्म बाद में होता है, लेकिन चंदू पहले समझ जाता है। वो हमारा कर्ज चुकाकर जल्द से जल्द भाग जाना चाहती है, यही ना? बात तो यही है, लेकिन इसके बाद तुम नाचोगे या मैं नाचूंगी? चंपी, औरत जब एक बार तवाश बन जाती है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका कर्जा खत्म नहीं होता मेरी जान। अब इन गोरे गोरे हाथों से एक जाम बनाओ तो तुम्हें खुशखबरी सुनाए। अच्छा, बोलो क्या बात है। दौलत तुम्हारे कोठे का पता पूछती हुई दौड़ी चली आ रही है। लो पढ़ो इसे। गांव में पन्ना लाल ने एक अनारकली का बंदोबस्त किया है। इसमें तो लिखा है दूल्हा लेकर आओ। हाँ तो कौन सा पहाड़ खोदने को लिखा है, किराया का दूल्हा भी ले जाएंगे। दादा क्या भाई, अपन का कल का हिसाब दादा। कितने का लाया था? एक बस। हाँ। आज पब्लिक के पास पैसा नहीं दादा। ये ले अपने कमीशन। हाँ। ये पैसा रख और शरीफों जैसे कपड़े बनवा ले, यह हुलिया नहीं चलेगा तेरा। क्यों? परसों तुमने मेरे साथ बाहर गांव जाना है, वहां तुमको दूल्हा की एक्टिंग करनी होगी। तारा बिन दास, अपन को कमीशन बरोबर मिलेगा ना तो माँ कसम अपन दिलीप कुमार, राजकुमार, अशोक कुमार सबका छुट्टी कर देगा दादा। लेकिन कमीशन कितना मिलेगा? शादी के साथ फेरे होते हैं, हर फेरे का 200 रुपया चलेगा। दौड़ेगा दादा दौड़ेगा, बिल्कुल बिन दास। अ
आप कौन? चंदू हूँ, बंबई से आया हूँ मैं। अरे आप नमस्ते चाची। चल भाग भाग, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए आइए। अंदर आइए। पन्नालाल जी कहीं बाहर गए हैं? जी हाँ, नदी पार शक्कर मिल के मालिक का देहांत हो गया है, वो उनकी क्रियाकर्म के लिए गए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो मुझे सब कुछ समझा गए हैं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रही। वो तो है, आप उनकी बेटी हैं? जी लगती हो। बिल्कुल जी नहीं, मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी तीसरी। आप अंदर आइए। समझा क्यों दादा? अबे ना जाने तुमको किसने तल्ला बनाया है, तू यहाँ बैठ के दारू पी और मैं अभी आया। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। जूही किसी से पैरों में मेहंदी लगवा रही थी या दिमाग में तेल ठुकवा रही थी? जी मैं, जी जी मैं। अरे अब खड़ी मेरा मुंह क्या देखती है, बोझा उतार सर से। अरे उतार। जी। अबे पन्ना इतना बोझा काहे को उठा लेते हो जिसे उतारने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़े। अरे अरे चंदू, अरे कब आए? कल शाम से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। भगवान जरा जलपान का बंदोबस्त कर, मैं अपने यार के साथ बातें कर लूं। चंदू, अरे चंदू तू अकेला आया है या वो दूल्हा कहाँ है? अबे वो कह रहा। अरे वाह 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 वाह, बड़ा शर्मीला मालूम होता है। क्या नाम है इसका? रामू। रामू नहीं, रमेश। लड़की का नाम सरिता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे भैया मैंने जल्दी यूं की थी कि लड़की की नानी इतनी बीमार रहती है कि किसी भी वक्त राम नाम सत बोल सकती है, फिर लड़की गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगी, सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। तो जल्दी से काम पटा डालना। पटा डाल। पटा डाल। पहले मेरी दक्षिणा देख, जो हर बार लेता है इस बार भी ले लेना। वही कैसे ले लेना, इसमें 500 से काम नहीं चलेगा, पूरे 5000 का काम है। देख पन्ना, अगर तो लड़की तमंचा जान हुई तो पूरे 5000 दूंगा। अब आए हो? अभी लड़की दिखाई देता हूँ। चलो आओ। ये लो, किरा करम के लड्डू खा लो, आंखों में रोशनी आ जाएगी। दिखाई है तेरी जान की कसम, जिस नदी में से नहा के निकली होगी भाप निकल रही होगी उसमें से, पानी उबल गया होगा भैया। हाँ। एक बात कहूं? कहो। लोगों को 100 के नोट में 3 शेर दिखाई देते हैं, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साक्षात दिखाई दे रहे हैं। जय त्रिमूर्ति। लो 5000 रुपए। अबे पैसे तो तेरे घर में रखे हैं।
पहले जाके लौंडिया की नानी से बात तो पक्की कर ले। ये बात आओ चलो। चाची यही है वो बंबई वाले सेठ चंदूलाल जी, और ये है उनके सुपुत्र रमेश जिनकी बात मैंने आपसे चलाई थी। और सेठ जी संजोग देखिए, बिटिया का नाम सरिता है। माँ जी सरिता रमेश की जोड़ी तो बहुत सुंदर है। और रही बात दहेज की, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि बिटिया लक्ष्मी का रूप धार के अपने ही निवास स्थान पे जा रही है, बस आपके हाँ करने की देर है। सेठ जी आप हमारे घर आए, हमारी इज्जत बढ़ी, मैं हाँ कहने का हक तो रखती हूँ, लेकिन चाची इस वक्त आप ये देखिए कि एक अच्छे घर में बिटिया को ब्याह के आप अपने जिम्मेदारी और चिंता दोनों से मुक्त होती। चाची आप किस सोच में पड़ गई? सोच रही थी जब मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी तो किसी पुण्य की छाव में बैठी सरिता की माँ मुझे मिलेगी, और वो अगर मुझसे पूछ बैठे कि मेरी बेटी को किसी जाने पहचाने नेक इंसान के हाथ में सौंपाई है ना, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? आज की जान पहचान जरा पुरानी हो जाए फिर शादी का मुहूर्त निकलवाने में क्या देर लगती है। देर तो इन्हें भी अपना लड़का ब्याहने में नहीं लगती, ये तो मैंने बीच में पढ़ के इन्हें बंबई से यहाँ खींच बुलाया, वरना इन्हें लड़कियों की क्या कमी। आप कहती हैं तो इन्हें कल ही वापस भिजवा देता हूँ, फिर मुझे मत कहिएगा। बुजुर्गों ने कुछ सोच कर ही कहा है चाची कि लड़की के ब्याहने में और कर्ज अदायगी में देर नहीं करनी चाहिए। पन्ना लाल जी बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, शायद सरिता आ गई है, मैं उसकी मर्जी भी पूछ लेती हूँ। इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो साले आंखें फोड़ दूंगा, समझा? सरिता अच्छा हुआ बेटी तू आ गई, वो बंबई वाले सेठ आए हैं, शादी की जल्दी कर रहे हैं, लड़के को भी साथ लाए हैं, तू देख ले, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। माँ जी ऐसी भी क्या जल्दी है, माँ जी मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा, बीमारी है कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। तू मेरी बीमारी की चिंता न कर, तेरी डोली उड़ जाए तो मेरी अर्थी हल्की हो जाएगी। माँ बोल क्या जवाब दूं उन्हें? मैं मेहमानों के लिए चाय बनाती हूँ, आप उनके पास जाकर बैठिए। अच्छा था। अब तो पक्का अभी अपनी जेब में समझ जा। अरे अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे बैठे रीता आप लोगों के लिए चाय बना रही है। काहे को तकलीफ करती है माँ जी, आप तो अपना ही घर है, एक साथ ही पियेंगे। बेटा माँ जी के पहुँचू, चल चल बड़ा शर्मिला है। अब आज्ञा लेवे जी। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटे चल। रघुपति राघव राजा राम बदिर बावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम बदिर बावन। Thank you.
चाची, सरिता को आशीर्वाद। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तुमको गुस्साया भी कभी ना पड़ेगा मुझे सरदार पर। अभी तो किधर और पुरगो की आवरू तेरे हाथ में, बेटा। चाची चाची, ये क्या कर रही हो? मुझे गरीब का लोक पर लोक, बस यही एक बच्ची है जिसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम इसे जिस दीवार के साये में बिठा दोगे, ये अपनी अर्जी उठने तक वहीं बैठी रहेगी। तुम इसके पति बनकर इसे सहारा देना, ये तुम्हें भगवान समझकर तुम्हारी पूजा करेगी। बेटा, इससे कभी कोई भूल हो जाए तो नादान समझकर माफ कर देना। मैंने इसे कभी फूलों की छड़े भी नहीं मारी। चाची, ये हर वक्त वहाँ फूलों की सेज पर रहेगी, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान, मेरे जैसे दिन भी तुम दोनों की उम्र के साथ जोड़ दे। चाची, इन्हें देर हो रही है, गाड़ी पकड़नी है, खुशी खुशी विदा करो इन्हें। चल 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 बेटे, चल बिटिया। गुरु सच्चे पाश, तेरा ही आसर। कहाँ चलो साहब? हाँ साहब, फारस रोड पर ले लो। जगह का नाम तो आपको ठीक मालूम है ना साहब? हमें तो मालूम है, लेकिन लगता है कि तुम इस शहर में नए आए हो। अगर रास्ता नहीं मालूम तो गाड़ी बढ़ाओ, हम बता देते हैं रास्ता तुम्हें। हाँ हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ गाड़ी। मालूम है मालूम है। सरदार जी, रख लो रख लो, आज हम नया छोकरी लेकर आया है। वाह बाबा नानका, तेरे ए रंग समझना। आदा वादा, मुझे यहाँ का बादशाह कहते हैं। बादशाह कहते हैं? हमारे ड्राइवर साहब, एक अकल लियाकत की बात बताऊं, समझ में नहीं आया तो अच्छा है, अगर समझ में आ गया तो ये टैक्सी इसी जिन्ने से चढ़कर ऊपर चली जाएगी। मेरे सात जहाज इसी जिन्ने से चढ़कर ऊपर चले गए और गंदा पानी बनकर इस नाली से बह गए और मैं इसी नाली के पास खड़ा देख रहा हूँ। देखता रहा मनुनिया पीटे एक्सक्लूसिव बच्ची, चढ़ पड़े। चुप चुप जियो, जरा मुखरा तो दिखाओ। ये सब हमारे घर की बहुएं हैं। आज हमारे घर में एक और लक्ष्मी आई है, ये सब गरीबों में बांट दो। आओ बेटी, आओ। जाओ जाओ। अरे वाह बिन दात, अपोलो 16 गोज टू मून, जमाना चांद पे जा रिया, दुनिया भर का सोना चांदी लेकर चांद पे जा रिया, और ला क्या रिया पत्थर के टुकड़े सर पर मारने के लिए। अरे जमीन से 10 गज दूर चांद ही चांद, दूज का चांद, तीज का चांद, चौदहवीं का चांद। अरे पैसे दो और चांद के टुकड़े ले लो। गुरु, ये तुम्हारा कुर्ता सूख गया। वेरी गुड बच्चे, ऐसा कर, वो सामने मेरी नुकड़ वाली है ना, उससे प्रेस करवा दे। इसको? हाँ इसको। अबे इसको इसको क्या कर रहा है? तुझे कुछ मालूम है ये कुर्ता कहाँ जा रही है? नहीं। दुनिया के अजायब घर में रखा जाएगा,
ताकि आने वाली नस्लों को इब्रत हासिल हो कि जो उस आदमी का कुर्ता है जिसके साथ जहाज ने कोठों पर डूब गए। हाय हाय हाय, ये कोठे किसी को नहीं बख्शते बच्चे, न जिस्म बेचने वाले को न जिस्म खरीदने वाले को। कर रही है, तेरा हुस्न बढ़ा रही हूं, जो भी देखेगा मर मिटेगा। कपड़े पहन लो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, वाह चंदू, वाह, क्या नारियल की कच्ची गरी लाए हो, जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लो। हाय जिनिया, तो अब किसने रोका है? मैंने नथ पहना दी है, अब देखें कौन दिल और जेब का धनी उसे उतारने की कीमत देता है। एक से एक रईस को खबर कर दी है। मजा आ गया ना। भगवान, तूने मुझे अनाथ पर बड़ी दया की, जो इतने बड़े और शरीफ घराने में जिंदगी भर का आसरा दिया, देवता स्वरूप पति दिया, पूजने लायक सास ससुर दिए, मेरी आखिरी सांस तक इस घर को हरा भरा रखना। तुम्हारे आने की देर थी बन्नो, अब तो इस घर में हरे भरे खेत लहराएंगे। जी क्यों भगवान से ठिठोल कर रही हो? ठिठोल? मैं आपकी बात समझी नहीं। अपनी कही हुई बात तो खुद इसकी समझ में भी नहीं आती, तो तुम्हारी समझ में कैसे आएगी? कोई बात नहीं माँ जी, हर किसी की अपनी एक समझ है। पूजा अर्चना के बाद सुहागिनें एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरती हैं। भगवान आपका सुहाग हमेशा बनाए रखे। मैंने कहा था ना, इसकी बात किसी की समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं माँ जी, लीजिए मैं आपके मांग में सिंदूर भरती हूँ, आप मेरी मांग में भर दीजिए। बेटी, भगवान सदा आपकी मांग भरी रखे। जो तेरी पहली रात का मालिक होगा वो तेरी मांग मोतियों से भर देगा। अच्छा अच्छा, चलो खाना खा लो, लड़कियां इंतजार कर रही हैं। खाना अभी से? हाँ, हमारे यहाँ जल्दी खा लेती हैं। लेकिन मैं तो अपने उनको खिलाकर खाऊंगी। उनको? अच्छा, हमारा मतलब है रामू भड़। ओह, मैं रामू को बुलवा लेती हूँ। अच्छा, वारी जाऊं। ये आखिरी गंदा बच्चा, और देखो ये लड़की पहले क्यों नहीं बताया था? पसंद है? बिल्कुल। अरे अरे, ये बात की थी यार, मैं तो इतना बोलने को आया कि तुम्हें चंदू दादा बुला रही है। आता आता जल्दी कर, जब देखो डांट रही है, जब देखो डांट रही है, बहुत क्या लग रही। दादा अपन को बुलाया, दूसरी शादी का प्रोग्राम है क्या? अरे पहले इस दुल्हन को तो सुर में ला। तू क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, आज तू उसके साथ जाके खाना खा ले। अरे दादा अपन पर काय को जुल्म करता है? तुमको मालूम है दादा, जब तक अपन पाव सिरप मार न ले, अपन को स्पेशल से स्पेशल राइस पर भी मरा नहीं देता दादा, बिल्कुल बिंदास। अरे काय को बड़बड़ किए जा रहा है, साले आज के दिन जहर मार कर ले और खाना खाते खाते उसे दो बातें समझा दे। नंबर एक कि तू आज ही 7 दिन के लिए बाहर गांव जा रहा है, और नंबर दो कि आज बहुत से आदमी उसको देखने के लिए आ रहे हैं।
किसी किस्म की गड़बड़ नहीं मांगता है। अरे दादा ये दोनों बातें तो नंबर एक है। दादा आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उसको बरोबर लाइन पर लाता हूँ और 7 दिन में हम उसको लाइन पर ले आएंगे। अच्छा ये ले, ये तेरे पिछले 1400 रुपए। ये 200 रुपया तेरा अगले 7 दिन धंधे से आउट रहने का। क्यों? जा 7 दिन की छुट्टी है मेरे कर। दादा बिल्कुल जहांगीर बादशाह का मामला इंसाफ क्या। सरिता बाई आपका खाना अभी रखो, वो खा ले तब खाऊंगी। उनको खिलाकर खाओगी तो एक रात में 10-10 बार खाना पड़ेगा। अरे वो कासा भाई, अपन का खाना लाओ। गुलाबो आ भाई खाना लाओ जल्दी से। तुम भी खाओ ना। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। देखो सरिता, तुम खाने पर अपन का इंतजार मत किया कर। अपन ठहरा काम धंधे वाला आदमी और आज ही अपन 7 दिन के लिए बाहर जाते हैं। हम तो इधर होगा नहीं। देखो अपन का बहुत दोस्त है, कोई मिल मालिक है, कोई सोना चांदी का स्मगलर है, कोई जवेरी बाजार में हीरा बेचता है, सब बड़ा बड़ा लोग है। वो तुम इधर देखने को आएगा और देखो तुम उनका बराबर खातरी करना और लोग कभी हंसी मजाक का बात बोले तो हंस कर टाल देना, गुस्सा बिल्कुल मत करना। हमारे मामा जो लाइन बताया ना बिल्कुल उसी लाइन पर चल। अपन को कोई रफड़ा नहीं मंगना, बिल्कुल बेदार। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, लेकिन इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई काम धंधे का मामला और अपन को आज रात को गाड़ी पकड़ने का, समझा? क्या आप आज रुक नहीं सकते? बहुत जरूरी काम है। मेरी बात का कोई जवाब नहीं। अच्छा भगवान आपकी रक्षा करे, मुझे आपका इंतजार रहेगा। तेरी गाड़ी का वक्त हो गया है। संदीप भाई ये हमारे दोस्त शंकर दयाल जी हैं, अगले हफ्ते इनकी शादी होने वाली है। शादी मुबारक हो, लेकिन मुझसे क्या मुहूर्त निकलवाने आए हो? नहीं दरअसल ये बहुत शर्मीले हैं, पहली बार इनकी शादी हो रही है, दरअसल ये सबक सिखलाने लाए हैं। आप कोई फिक्र न कीजिए, बंदी को पहली बार उस्ताद बनने का मौका मिल रहा है, ऐसा सबक सिखाऊंगी के अच्छा तो इनकी पहली शादी हो रही है जी। जाहिर है इनकी बीवी की भी पहली पहली शादी हो रही होगी जी। बिल्कुल। तो फिर आप एक काम कीजिए, शादी के बाद लगन मंडप से सीधे इनकी बीवी को यहीं ले आइएगा, उनको भी सबक सिखा दिया जाएगा। नरगिस बाई ये क्या बेहूती है, जाते कहाँ हो साहबजादे? तुम्हारे माँ बाप अपना पेट काट काट कर इसलिए तुम सबको पढ़ाते हैं कि तुम उनकी इज्जत को इस तरह कोठों पर उछालो? तू है तुम लोगों पर, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नरगिस बाई हम वेश्या हैं, प्रचारक नहीं। सुंदरी हम कितने ही गिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन हमें इस देश की नई पौध को गिरने नहीं देना चाहिए, ये पाप है। चंदू दबाओ, जाओ यहाँ से, नीचे कोठड़ी में तुम्हारी चारपाई का इंतजाम कर दिया गया है, जाओ यहाँ से। मैं जीते जी उस नरक में नहीं जाऊंगी। इस पेशे में औरत जब अपने हुस्न जवानी से बिछड़ जाती है तो उसके लिए नर्क क्या और स्वर्ग क्या, तुम्हारा स्वर्ग अब उस कटहरे में है, तुम्हें चाहने वाले अब वहीं आया करेंगे। चंदू मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे भी ऊपर से नीचे भेजोगे। यही दुनिया का दस्तूर है, जो ऊपर आता है उसको नीचे जाना ही पड़ता है। तुम्हारी नजरों के सामने तुम जैसी कई बेकार औरतें नीचे भेजी जा चुकी है। मैं जान दे दूंगी मगर वहां नहीं जाऊंगी। वहां और यहां में फर्क क्या, यहां लोग ज्यादा रकम देकर बीमारी दे जाते हैं और वहां लोग कम पैसा देकर बीमारी ले जाते हैं। नहीं चंद्र नहीं, ऐसा सुन ना करो, ये रिश्ते में नासूर लेकर मैं कहां जाऊंगी? मेरा इलाज करा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। चंद्र मेरा घर खराजी अस्पताल नहीं है,
ये वो मंडी है जहाँ जवानी बिकती है, सेहत बिकती है, बीमार जिस नहीं बिकते। जाओ यहाँ से। तुम्हारी तिजोरियां भरने के लिए मैंने अपना हुस्न, अपनी जवानी, अपनी सेहत लुटा दी, और उसके बदले में मुझे मिला क्या ये गंदी जान। बकवास, मेरे कान में फालतू लेक्चर सुनने के आदि नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। हीरा उस वक्त तक हीरा रहता है जब तक उसमें चमक रहती है, उसका खरीदार रहते हैं। जब उसकी चमक खत्म हो जाती है तो रास्ते का पत्थर हो जाता है। जमाने ने फिर पलटा खाया, हीरा पत्थर हो गया, रास्ते का पत्थर। वाह रे जमाने, वाह। तुम सब क्या देख रही हो है? याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब तुम सब एक एक करके इस जीने से नीचे उतार दी जाओगी, बिल्कुल उसकी तरह। ये कोठे किसी को नहीं बख्शते। जाने दो। आइए तशरीफ लाइए, समय महफिल को आप ही का इंतजार है। इस कोठे पे हमारी इज्जत है, हम आए नहीं बुलवाए गए हैं। क्यों महाराज पंडित जी, घर में तो सब कुशल है। हाँ, घर में कुशल होते तो यहाँ क्यों आते? क्यों, कुशलता भाग गई? हजूर नवाब साहेब कैसे मिजाज है? आपकी तारीफ तो कराई नहीं आपने। आप है मेरे दोस्त अबू हसन, स्मगलिंग के बादशाह। मत्तर मत्तर खरामा खरामा, बहार आ रही है कि वो आ रहे है? कनीज की बेजबानी को ही इसका सलाम समझिए। अप्सरा, तुम तो यहाँ आ गई। राजा इंदर के अखाड़े में तो भूत नाच रहे होंगे, क्यों चंपा भाई? ठीक फरमाया। मोतिया वाले हो, साड़ी तो एक ही बिनती जे, ऐश करो ते ऐश कराओ। चंपा भाई, जे तू कमे ते असी अपनी ट्रांसपोर्ट का दफ्तर ऐथे ही खोल दईए, और रब दी सौ साडे चलन ट्रक ते तेरे चलन नगरे। बल्ले बल्ले, ऐनी छेती ना करो सरदार जी, तेरा कवर करो। अल्ले अल्ले। देवी, मैं तो आपको देख के ही नशे में हो गया। चंपा भाई, तुम कमाल चीज है भाई। सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। नवाब साहब, वाला सवारे बेहेश्ती, जो कोई देखता है चक्कर खाता है। बेटी बांध तो लो। वाला तुम शहद का माफिक मीठा है, चश्मे बहादुर तुम्हारा नजर है। बेटी, ये अपने मेहमान हैं, इनके मजाक का बुरा नहीं मानते। नवाब साहब को पान दो, चलो। हाय 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 मेरा दिल,
हाय मेरा दिल। आओ। अरे ठहरो मेरी जान, पान तो खिलाती जाओ। देखो भाई 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 जाने मन कुल बदन पुंचा दगन, आज के बाद हर रोज रात को गोजे हम कभी गजल गाएगा पीछे रोएगा, कभी पहले रोएगा पीछे गजल गाएगा रोएगा। अच्छे खान साहब, चंपा बाई के होते हुए तुम नहीं रोएगा। ओए जाने मन कन्या, आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बेटी की जगह पिता के चरणों में ही होती है बेटी। इस बेचारी को यहाँ की रस्में नहीं मानी। हाँ अच्छा अच्छा, बल्ले 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 खुश की भाई। बादशाह सुनो, ये अपने हाथ ना खवा रहे हो ते तर ना जाइए। बेटी अपने हाथ से पान खिलाओ, खिलाओ ना। जरा हमारे पास पीछे बैठो। शर्मान्दी है, शर्मान्दी है, शर्मान्दी है। इस लड़की का यूं भाग जाना इसकी मासूमियत का सबूत है चंपा भाई। 7 दिन में ये दुनिया बनी थी और इन्हीं 7 दिनों में धुन की हुई रूई की तरह उड़ जाएगी मेरी बन्नो। देखिए मेरा दिल घबराया हुआ है, आप पहेलियां मत बुझाइए। मेरी हर बात तुम्हें इसलिए पहली लगती है क्योंकि सच अब तक तुम पर खुला नहीं है। वो सच ही क्या दीदी, जिसे कहते डर लगे, आप बोलिए ना। तुम इस घर को क्या समझती हो? अपने पति का घर, अपना ससुराल, यही तो तुम्हारा भरम है। ये भरम है तो फिर सच क्या है? अगर कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखती हो तो सुनो, ये वो जगह है जहाँ जिंदगी बेहया होकर नाचती है, जहाँ औरतें कपड़े उतारकर जेवर पहनती हैं। दीदी क्या बक रही हैं आप? यकीन नहीं आता? आओ मेरे साथ, आओ। वो देखो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, यहाँ से बाप आपके और कुछ भी नहीं। आप मेरे पति को बुलवा दीजिए। तू किसी के बहकावे में तो नहीं आई? मैं बहकने वाली नहीं, मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ नई नवेलियाँ आग के सामने बैठ के जिसे अपनाती थी उसी के साथ आग में जल भी जाती थी। तू जहाँ आप पहुंची है वो देश नहीं एक दुकान है जहाँ हर देश की बेटी बिकती है। मैं ये पाप नहीं करूंगी, आप मेरे पति को बुलवा दीजिए। तू एक पति का रोना रो रही है और मैं सपने देख रही हूँ उन रातों के जब एक पति तुझसे बिछड़ेगा और दूसरा उसकी जगह पर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा मिलन जिस पति से होना था हो चुका, मैं 7 जन्म तक उसी की रहूंगी। नहीं, तू अपनी आखिरी सांसों तक यह कबूल करके रहेगी कि तू एक की नहीं सारे शहर की दुल्हन है। इस कोठे की दहलीज को पार करते ही तू एक तवायफ बन गई। तू तवायफ है चंदू? ये लड़की तो बिल्कुल चिकना घड़ा है, कुछ सुनती ही नहीं, या तो भगवान की पूजा है या रामू की। वाह, भगवान और रामू एक ही जगह पर, यानी कि एक ही बोतल में पवित्र जल भी और हमारा ये ठर्रा भी। लेकिन जब भी ये पवित्रता जरा से में भ्रष्ट हो जाती है, एक दिन ये पवित्र जल हमारे ठर्रे में मिलकर बिल्कुल ठर्रा बन जाएगा। अरे वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन मैंने तो सेठों को बुलवा लिया है माल घसीटने के लिए। वाह चंपी, तुम भी कमाल हो। एक तरफ तो कहती हूँ कोई उल्लू की पट्टी मानती नहीं,
और दूसरी तरफ सेठों को बुला लिया। अरे चंदू, मैं शतरंज की चाल चलती हूँ, इससे लड़की की जिद का पता भी चल जाएगा और दूसरा सेठों से ये भी पता चल जाएगा कि नक की कीमत क्या है। बस नक की कीमत जानते ही फौरन ही उसकी नथ उतरवाने का बंदोबस्त कर दूंगी। तुम उसे जाकर समझाओ कि भगवान की पूजा छोड़कर धंधे की पूजा शुरू कर दे। अपने आप समझ जाएगी मेरी जान। क्यों, तुम उसे समझाते हुए डरते हो क्या? देखो चंपी, डरता हूं मैं सिर्फ अपने आप से। कहीं उस लड़की की सूरत बिगड़ गई या उसका हुस्न दागदार हो गया तो तुम क्या करोगी मेरी जान? वैसे तो हम तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं, जैसा कहोगी वैसा कर देंगे। सबर से काम लो। मेरी मट्टी में मिल गई जवानी आए राम। क्या देख लिया कि सात जहाज मेरे थे, इन्हीं कोठों में डूब गए। तेरे पास सात जहाज हैं तो जाओ खुद को डुबाओ, चलो। अरे लुट गए हम जीते नहीं मार। आओ 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 भैया, आओ हमारे जापू के, आज फिर देर से आ रिया। अरे तेरे को कितनी बार बोला गाना सुनने का शौक है तो तबले की थाप शुरू होते ही आ जाया करो, लेकिन तू हमेशा देर से आ रही है। अमा भाई मियाँ, इसमें तेरा भी क्या दोष, रोटी पानी के चक्कर में तुझे धक्के खाने पड़ते होंगे। मेरी बात मान और ये वफादारी का चक्कर छोड़, इंसान बनना सीख। जहाँ रोटी का टुकड़ा मिला वहीं के हो लिए। ले नवाब साहब, आपके पत्नी की कसम, मैं तो चाहती हूँ कि रीता आप ही की बन के रहे, मगर चंदू का ख्याल पंडित धर्मपाल की तरफ है। धर्मपाल हमसे बड़ा रही है? अगर है तो चंदू के भरम में, मेरी नजर में तो आप हैं। मैं इस नई लड़की को किसी दूसरे के हवाले नोच करूं? कोई मुझसे पूछे कि शराफत कहाँ जाके सीखे तो मैं तो यही कहूँगा, भैया चंपा बाई के कोठे में पहुँचो। तो लाइए 10,000 रुपए, चंदू के मुंह पर मारकर कहूंगी के नवाब साहब की तरफ से पेश की है, 50,000 देने का वादा फरमाया है। समझा समझा, ये लो पूरे 10, समझेंगे एक इलेक्शन और हार। आपकी जीत का फैसला तो आपकी दरिया दिली ने अभी से कर दिया। हुक्का ताजा करके लाया हूँ भाई जी। पंडित धर्मपाल जी तशरीफ ला रहे हैं। आए सार आंखों पर, लेकिन अब तो वह यहाँ अपनी आशाओं का शराधी करा सकते हैं। क्यों भाई जी? अच्छा नवाब साहब, बंदी मुजरा बजा लाती है। आदाब। अरे सुंदरी, अकस्मात रुठ गई देवी, हाय दुहाई राम जी की। मत रूठो देवी, मत रूठो, चाहे मुझे झाप पर मार दो, चाहे मुझे बुरी भली गाली दे दो, किंतु रूठो नहीं देवी, रूठो नहीं। ये लो इसकी मिठाई मंगा लो। पंडित जी, आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकते हूँ, लीजिए मान ली। धन्यवाद सुंदरी, धन्यवाद। अच्छा एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। तुम्हारे जैसी सुंदर तन वाली और पवित्र मन वाली कन्या वेश्या कैसे बन गई? पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा पंडित जी। क्यों, आपका क्या विचार है? मेरा, अरे इनका विचार जानने की चिंता तो मुझे लगी हुई है। क्यों पंडित जी? नमस्ते चंपा देवी, आपकी चिंता का कारण? कारण तो एक आप है और एक सुंदरता और लज्जा की मूर्ति वो कन्या है, जिसे केवल आप ही की भेंट करने के लिए दासी ने पानी की तरह रुपया बहाकर मंगाया है। हम तुम्हारी बात का रहस्य नहीं समझे देवी, हम पर दया करो और हमें ज्ञान दान दो। चंदू सेठ हीरालाल से मिल गया है, मेरे प्राण लिए ले रहा है कि सेठ जो 80,000 की धनराशि प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्वीकार कर लो। तो फिर आपने क्या उत्तर दिया? उत्तर वही दिया जो मेरा धर्म था, उस कन्या की सुंदरता और यौवन का सुख भोगने के अधिकारी केवल आप हैं। रही बात दान दक्षिणा की, तो मैंने आपकी तरफ से 80,000 चंदू को कह भी दिए हैं। लाइए 15,000 रुपए चंदू के मुंह पर मारकर उसका मुंह बंद करने के लिए।
नखलऊ के मीठे दो रसे तंबाकू में हमने जो मिलाया सो मिलाया हुजूर, मगर आप इस तरह दम मारिए के जैसे शुक्र वाली के कलेजे का माजून भरा हुआ हो तंबाकू की जगह। ये लो 15,000, मैं समझूंगा कि आटे के एक मिल में आग लग गई। अच्छा अब मुझे जाने की आज्ञा दो, क्योंकि आज रेस में अपनी घोड़ी देवी कोठे वाली को इंटर कराने का अंतिम दिन है। अली जी, हाँ। ये रेस में क्या होता है? घोड़े भागते हैं और गधे खुश होते हैं। गधे खुश होते हैं। लाल जी की गाड़ी रुकी है, वो आ रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ओ पंडित जी उठिए उठिए, प्रसाद की बजाय कुश्ता खाइए कुश्ता। इन कोठों पे तो कदम कदम पे ठोकर है। अरे कोठों की बात छोड़ो, तुम अपने गले में घंटी बांधो या पेट पर लाल पत्ती रखो। आपका सिरा तो पहले ही डाउन हो गया, पत्ती की क्या जरूरत है? अरे गुजर जाओ गुजर जाओ, ठीक ठीक गुजर जाओ। डाउन है चल चल, पंडित आ गया है कोठों पे। क्या देख रहे हैं जी? साइज देख रहा हूँ मेरी जान, झुनझुन करती झांझर कैसी बनवाई जाए। पहले चूड़ियों का साइज तो देख लीजिए। अरे ये तो हथकड़ियां है, गले का साइज लाओ, देखें कुछ बनवा डालेंगे। इस बाग में बाहर डालने के लिए दुनिया नोटों की गड्डियां लिए फिरती है जी। आपके लिए इस कनीस का गला मुफ्त हाजिर। मुफ्त का माल हम नहीं खाते देवी जी। हाथ इधर लाओ, कुछ माल रख देते हैं। नमस्ते सेठ जी। आओ आओ भाइयों में भाई चंपा भाई। मैं आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। खैर तो है, बड़ी बंधन के आई हो मेरी जान। बंदी आपको खुश करने के लिए जो भी करे कम है। दारा नवाब इस नई लड़की के 80,000 देने को कर गए हैं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि इस लड़की के और इसकी पहली रात के मालिक सिर्फ आप हैं। क्यों सेठ जी? चंपा भाई, तुम जैसी औरतों ने हमारा सर ऊंचा कर रखा है। अजी सेठ जी, मेरा सर तो तब ऊंचा होगा जब आपसे 20,000 रुपए लेके चंदू के मुंह पे मारूंगी और कहूंगी कि सेठ जी के हाथ का मैल था और लाख रुपए में मामला तय कर गए हैं। खूब खूब चंपा भाई, रंग लाती है ही ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। आदमी मजबूर हो जाता है दिलाने के। वाह वाह सेठ जी वाह। ये लो हो गया सौदा पक्का। क्या देख रहे अरे, मैं कोठे पर ऐसे नहीं आया था, जहाजों का सबसे बड़ा व्यापारी था, मेरे साथ जहाज इसी कोठे पर डूब गए, इन सेठों का क्या होगा? चंदू कौन है रे तू, चल बाहर। अरे भैया मुझे जरा चंदू से मिलना है। चंदू दादा आराम कर रहे हैं, चल बाहर। अरे जाता हूँ, बोलो कि पन्ना आया है। अबे चल। अरे मुझे क्यों रोकते हो भैया? चंदू चंदू चल बाहर। चंदू चंदू क्या शोर मचा रखा है, आएंगे। अबे पन्ना तू ये क्या हालत बना रखी, क्या हुआ तुमको? चंदू मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। पुनिया पुनिया मेरी जिंदगी भर की कमाई लेकर किसी आदमी के साथ भाग गई चंदू। अच्छा हुआ पाप कट गए उसके। जलती पर तेल मत छिड़को चंपा भाई, मैं बीमारी से मरा जा रहा हूँ, मुझ पे तरस खाओ, अपनों से ऐसा सलूक नहीं कर। अरे वाह, तू कब से हमारा अपना हुआ? चंपा भाई ये मत भूलो, ये कोठा मेरी ही भेजी हुई लड़कियों की वजह से आबाद है, समझी? अरे वारे कलमुए, तू कौन से कन्यादान करता रहा है? हमने मुंह मांगे दाम दिए हैं तुम्हें एक एक लड़की के। चंदू देख क्या रहे हो, निकाल बाहर करो इस बीमारी को। नहीं चंदू, मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चंदू। पन्ना जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। दोस्ती के नाते तुम एक राय देता हूँ, बाहर फुटपाथ पर बैठ जाओ, भीख भी मांगते रहना और पुनिया की राह भी देखते रहना, क्योंकि पुनिया जैसी बीवियां एक ना एक दिन घूम फिर कर इन कोठों पर पहुंच ही जाती है। नहीं नहीं मुझे मत निकालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत निकालो। चलो मुझे मत निकालो, चलो मुझे मत निकालो। स्वागतम, वेलकम। मैं मर गया।
रामनगर प्यारे, अच्छा कर दिया जो जहां मर दिया। बेवकूफ हैं वो लोग जो चारपाई पर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं। यहाँ एक तरफ सुन गजल की आवाज और दूसरी तरफ झपताल के ठेके पर ले आखिरी इसकी और सो जा। सो गया, ये ऐसे नहीं सोने वाला कि यहाँ कुत्ते की मौत मरेगा। खुदा जवाल कर गाँव दर पे गया मत में तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराबत में। तू तो उन समुद्रों पर पानी बरसाता है जिन्हें उसकी जरूरत नहीं होती। मुझे गरीब को तेरी अथाह मेहरबानी की जरूरत है। मेरे पति को रोशनी दे कि मेरी पवित्रता की रक्षा करे। बंद करिए बंडल गाना, बढ़िया से बढ़िया सिगरेट निकाल, समझा बेंदास। अरे तुम दो ही रईस लोग, देसी माल तो रोज फुकट में खात रहे। आज जरा लक्ष्मी मैया का दर्शन कराए तो फिर देखो बाबू, हम तो का अमेरिका इंग्लैंड का 555 पिलावत है। अब ये ले, पहले का हिसाब रवि का पैसा काट और बाकी करेगा। क्या बात है रामू सेठ, आज कोई भारी कमीशन पेशगी में लेके आ रहे हो का? अरे हो हनुमान भैया, आज हर तरफ पेशगी पेशगी चल रही है। हम पर चंपा भाई भारी भरकम रकम पेशगी में इस तरह समेट रही है कि जैसे बेगम बूढ़ा समेटे। हनुमान भैया मैं भी जा रही हूँ नुक्कड़ वाली की तरफ, आज पेशगी पेश करूंगा तो कल ब्याह की अर्जी। हनुमान भैया एक असल लियाकत की बात ध्यान धर कर सुनियो। सुना। तू भी रामू की तरह एक तुम्हारी ब्याह कर कोठे पर डाल दे, फिर पेशगी ही पेशगी, उसके बाद पता क्या होगा। दीदी मैं दोबारा उन सेठों के सामने नहीं जाऊंगी। मेरी भोली बहन, यहाँ सारे काम तुम्हारी मेरी मर्जी से नहीं, चंपा बाई और चंदू के इशारों से होते हैं। अब ये लोग तुम्हें ज्यादा देर तक गांव वाली सरिता नहीं रहने देंगे। नहीं, सरिता जहाँ रहेगी सरिता ही रहेगी। मैंने अपने पुरखों से यही शिक्षा पाई है और यही मेरा धर्म है। मैं भी यही सोचती थी, मेरा खानदान भी अपने खून पे फकर करता था, लेकिन हालात और इन लोगों ने मुझे जलालत में ढकेल दिया। मेरे ईमान की रोशनी और मेरे रूह की सच्चाई सब यहाँ की भट्टी में जलकर रह गई। यहाँ चंपा बाई और चंदू की मर्जी ही पुण्य है और इनकी मर्जी के खिलाफ चलना सबसे बड़ा पाप है। यहाँ बेटी बाप के नाम से नहीं माँ के नाम से पुकारी जाती है और मैं नरगिस अब्दुल रशीद से नरगिस बाई मेरठ वाली बना दी गई। दीदी भगवान ऐसे ही वक्तों में अपने मानने वालों को परखता है। मैं अपने इरादों में मजबूती के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी और वो मेरी जरूर सुनेगा। तुम्हारा ये भगवान तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस बस्ती में भगवान नहीं शैतानों के बुतों को पूजा जाता है। सरिता हम तवायफों की जिंदगी उन खुश्क आंखों का रोना है जिनके पीछे दरिया बंद होते हैं। दीदी मुझे पूरा विश्वास है अपनी पूजा पर और उस कृपा निधान पर। अपने विश्वास को आजमा देखो और अगर उम्मीद बर आए तो मेरे भी चंद शिकवे हैं उस परवरदिगार से, उनका भी जिक्र कर देना। मैंने सारी उम्र तेरे गुनगाए, मैंने सारी उम्र तेरे गुनगाए।
मीरा बाई, तूने तो अभी धंधा शुरू नहीं किया, मगर हम जो रात भर जागते नहीं है तो ये हमारा अंग अंग टूट गया है, अब हमें सोने दे। खबरदार जो दोबारा आरती भजन शुरू किया तो छाती में रामपुरी छुरा भोंक दूंगी। इनके आगे मुजरा करने से फायदा भी क्या है, इनका तो यहाँ आना जाना नहीं है। अरे इन चल फेंक इसे। ये क्या हो रहा है, तुम सब इस बिचारी की जान लेने पे क्यों तुली हुई हो? जान तो ये हमारी लेना चाहती है, रात भर के थके हारे अभी सोए ही थे कि इस मुंडी काटी ने गला फाड़ फाड़ के जो भजन गाना शुरू किया है, देख लो हम सब यहाँ खड़ी हैं। ठीक है ठीक है, अब तुम लोगों की नींद में कोई खलल नहीं पड़ेगा, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ मैं समझा दूंगी इसे। मैं अपनी पूजा इनके सोने से पहले कर लिया करूंगी, आप मुझ पर एक एहसान कीजिए, मेरे पति को खबर कर दीजिए कि मैं मुसीबतों में घिर गई हूँ, वो जल्दी यहाँ पहुंचे और मुझे इस नरक से निकाल ले। वो तुझे इस नरक से निकाल कर ले भी गया तो एक दो दिन के बाद घुमा फिरा के फिर वापस ले आएगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी मान और उतार इस नत को, ये तेरे सुहाग का शगुन नहीं बल्कि तेरी इज्जत का सौदा है, और रामू की राह देखने के बजाय ये ले पैसे और भाग जा इस नर्क से कहीं दूर, ले ले ये पैसे काफी हैं, भागने में मैं तेरी मदद करूंगी। नहीं दीदी, मैं अपने पति के बगैर यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, वो जिस दीवार के साए में मुझे बिठा गए हैं मैं वहीं बैठी बैठी पथरा जाऊंगी, लेकिन रास्ता उन्हीं का देखूंगी। इस जहन्नुम के कुछ भयानक नजारे तो मैं तुम्हें दिखा ही चुकी हूँ, एक बाकी है सो वो भी देख लो, देखो। मैंने गुनाह की जिंदगी को छोड़कर नेकी के रास्ते पे चलने का जो जुर्म किया था उसकी मुझे जो सजा मिली थी उसी की ये निशान है। मुझे इससे भी बुरी सजा मिले तो मैं सह जाऊंगी दीदी, लेकिन अपने तन और मन दोनों को अपने पति परमेश्वर के लिए पवित्र रखूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें बुलवा दीजिए दीदी, बुलवा दीजिए। अपन का भी ये 10 का चाला पता नहीं चलेगा रामू, पैसे नगद डालो। देख हारूंगा तो दूंगा, अरे तू शोकर, अपन ऐसा धंधा नहीं सीखा, पैसे डालो। एक पत्ते से मार खा नरगिस भाई, नहीं तो इस बैगन को नंगा अपन घर भिजवाता। रामू मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो नरगिस भाई, अपन बहुत हारेला, अपन से कोई उल्टा घोपड़ी का बात मत करना, अपन का भेजा आउट हो जाएगा। मेरी बात अगर तेरे भेजे में आ गई, नेक इंसान बन जाएगा और हर एक की गालियां सुनने के बजाय एक देवी से अपनी पूजा करवाएगा। तू जिस पवित्र देवी को रोने कलपने के लिए इन कोठों पर फेंक आया है वो तेरा इंतजार कर रही है, और मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। देखो नरगिस भाई, अपन को उस महादेवी से कोई मतलब नहीं है, अपन को ये भाषण मत दो और मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। वो तुझे गटर से उठाकर भगवान बना रही है और तुम उसे मंदिर से उठाकर गटर में फेंक रहा है। अरे बाबा, अपन का काम था उसको यहाँ तक लाना जो अपन ने कर दिया, अपन के भाषण मत दो, आगे जो बोलना जाके चंदू दादा को बोलो, समझा? रामो, इन कोठों पर जितनी भी आप भागने अपने ही आंसुओं की आग में जल रही हैं, ये सब क्या खुदाई थी यहाँ? नहीं रामो, तुम जैसा धर्म ईमान से बिछड़ा हुआ इंसान इन सबको छोड़ गया यहाँ मर मर के जीने के लिए। इन लोगों से अपन का कोई वास्ता नहीं, किस बात समझा तुम? वास्ता वास्ता तो तुम्हारा उस नेक लड़की से भी नहीं है जो तुम्हारी वजह से इन कटहरों में पहुंचेगी। फिर एक दिन वो आएगा जब तुम्हारा पाप गंदे फोड़ों के रूप में उस गरीब लड़की के जिस्म से टपकेगा और उन फोड़ों की बदबू दूर दूर तक नहक कर कई मासूम जिंदगियों को छुएगी, उन्हें भी गंदा करेगी, और इसके जिम्मेदार तुम होगे रामू, सिर्फ तुम। लो बेटी खाना खा लो, भूखी रहोगी तो तुम्हारी सुंदरता मुरझा जाएगी। मैं नहीं खाऊंगी, इस खाने से तो जहर अच्छा। जहर खाए तुम्हारे दुश्मन? दुश्मनों ने मेरा बिगाड़ा ही क्या है, मैं तो अपनों की मारी हुई हूँ। अपनों को मौका देकर तो देखो, तुम्हारी एक पलक झपकने से
दौलत दर दीवार से बरसेगी। चंपा बाई, दौलत से खरीदी जाने वाली मैं नहीं हूँ। खरीदने बेचने में तो मेरी उम्र गुजरी है, तुम्हारे ये अंदाज मुझ पर असर नहीं करेंगे, तुम्हारा भाव जरूर बढ़ा देंगे। आप मेरे भाव का जिक्र करती हैं तो सात आसमान मुझ पर टूट पड़ते हैं। भगवान के लिए आप यहाँ से चली जाइए। और हाँ, एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, जिन नेकियों के सहारे ये दुनिया जिंदा है, मैं उनकी कसम खाती हूँ, किसी पराए आदमी का हाथ मैं अपनी पवित्रता पर नहीं पड़ने दूंगी। अरे पानी कलमुई, अपने देवर उसे दिखा रही है जिसकी चुटकी में तेरे सासों की डोर है। मार डालूंगी तुझको, गला घोट दूंगी तेरा। चंपा बाई, आप इसे रहने दीजिए, मैं इसे समझा दूंगी। अच्छा हुआ तू आ गई, बात तेरी तो समझी हुई है, इसे भी समझा देना। जिन्हें लेने आप गई थी वो कहाँ है? मैं उसे नहीं ला सकी, वो अभागत तो जैसी देवी की कदर नहीं कर सकता। अगर वो भी मुझसे आंखें फेर के चले गए तो मैं मर जाऊंगी दीदी, मैं मर जाऊंगी। तू क्यों मौत के बारे में सोचती है पगली? चंपा बाई के बताए हुए रास्ते पर चलने से जो तूने इनकार किया है, उससे मुझे फिर यकीन हो रहा है कि नेकी अभी जिंदा है। और एक ऐसा ही यकीन मुझे उस इंसान के मरने पे हुआ था जिसके खून के एक छींटे से मेरी मांग भर गई थी और जिसकी मौत ने ही मुझे सुहागन बनाया था। आज तू अपने पति से बिछड़ तो गई है, लेकिन नेकी से तूने ब्याह किया है। अब तू अपने इरादे पर अटल रह, मैं तुझसे वादा करती हूँ अपनी जान पर खेलकर तेरी हिफाजत और मदद करूंगी, और ये सोचकर खुश रहूंगी कि मेरी उजाड़ जिंदगी में किसी ऊंचे मकसद के फूल खिल उठे हैं। दीदी। अरे चंदू, तुम अकेले यहाँ ताश खेल रहे हो और वो कल की लौंडिया तुरुक की चाल चल रही है मेरे साथ, तुम लाए भी तो कैसे मुसीबत की पुड़िया को लाए हो। चंपी, जिस दवा खाने के तुम और हम सिविल सर्जन हैं, वहाँ ऐसे मरीज भी आते हैं जिनका इलाज ऐसी पुड़िया से ही होता है। तुम हिकमत और डॉक्टरी के चक्कर में पड़े रहो और वो लौंडिया बगैर इलाज कराए इस अस्पताल से रफू चक्कर हो जाएगी। और सुनो, अभी जो मैं सुन के आई हूँ, चंपा बाई दौलत से खरीदी जाने वाली वो मैं नहीं हूँ। हराम जादी ने यहाँ तक कह दिया और तुम अभी रो अपने नसीबों को और मुझे भी रोने दो। चंपी, जहर की गोली की बजाय तुम किसी दिन अपने अल्फाज में खुद के मर जाओगी। चंदू के होते हुए इस कोठी से ना कोई आज तक बच के निकल सका है और ना निकल सकेगा। रमेश, वो नीचे है, मुझे मत रोको। ये रास्ता नीचे नहीं जाता, अगर तुम्हें जाना ही है तो आओ मेरे साथ, चल जल्दी से अपनी साड़ी का पल्ला मुझे दे। नहीं छोकरिया है ना चंपा बाई के कोठन की? मैं सिर्फ रमेश जी की पत्नी हूँ। रमेश कहा बोलत है? रामू दल्ला बोल दल्ला। तुम्हें शर्म नहीं आती? इन्हीं लोगों से तुम दो समय की रोटी कमाते हो और मजाक करते हो, इन्हीं का कहाँ गए वो? तुहार रमेश कहाँ मिली है? यहाँ चरस और गांजा मिलत है, जा सीधी नाक चली जा। सरिता भाग गई। ए खुदाया, जिस दिन मेरा आफ्ताब मारा गया और मैं फिर इस कुटुंब खाने में बंद कर दी गई, मेरा यकीन तुम सब पर से उठ गया था। मैं तुम सबको झूठे सहारों के सिवा और कुछ नहीं मानती थी, लेकिन आज सरिता की बेबसी मुझे फिर तुम्हारे पास ले आई है। आज मैं फिर अपना दामन फैलाए तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा आ रही हूँ। ऐ तूफान से नूह की किश्ती को बचाने वाले, ऐ गज को गिरा से निजात दिलाने वाले, ऐ मुर्दों को जिंदा करने वाले, ऐ होने को सपना बनाने वाले, आज एक मजलूम की जिंदगी में एक भयानक तूफान आ गया है। इसके दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार की शमा जल रही है उसे बुझने ना देना।
इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि ये तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चल रही है और ये शैतान उसे अपनी डगर पे चलाना चाहते हैं। आज सरिता की हार तुम सबकी हार होगी। इस मासूम लड़की को बचा लेना। रमेश, 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 रमेश। रमेश को देखा है? मैं अपने रमेश के बारे में पूछ रही हूँ, आप उन्हें जानते हैं? जरूर जानते। चलो तो मैं तुम्हारे रमेश से मिला दूँ। मेरा रमेश कहाँ है? घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने पेशे का सर ऊंचा कर दिया और साबित कर दिया कि उनमें भी खानदानी शराफत मौजूद है। वो सब प्रबल चंपा भाई, ये चोगी तो गुंडा लोगों के हाथ में फंस गया था। अरे माँ कसम, अपन अपना जान पर खेल कर इसको यहाँ लाया। हाँ अब तुम्हारी मिट्टी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ए बंद करो ये खिड़की है दरवाजे। ये लो तुम्हारा इनाम, और उसे जाकर साफ साफ बता दे कि वो तेरी बीवी नहीं है, वो धंधे के लिए यहाँ लाई गई है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चंपा भाई, अपन जाकर उसको खुला खुला सब बोल देगा, एकदम बिंदास। अरे ये क्या? फूल तो भगवान की पूजा के लिए रखे थे, मगर उन्हीं के रूप में आप सामने आ गए, आपके चरणों में रख। सुनो, तुम अपन को भगवान मानता है ना, जो अपन बोलेगा वो मानेगा? मैं भी कितनी अभागिन हूँ कि ये बात आपको मुझसे पूछनी पड़ी। आप कहकर तो देखिए, मैं जान न दे दूं तो कहिएगा। देखो तुम्हारा तकदीर बहुत अच्छा था जो अपन तुमको मिल गया और इधर वापस लाया। अगर तुम फिर इधर से भागा ना तो मुंशी पार्टी वाला जैसा हलकट कुत्ते को मारता है ना, चंदू दादा से तुमको मार डालेगा, समझा? मैं आपको पाने के लिए एक तो क्या 100 जाने निछावर कर सकती हूँ, अब आपका साया छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अपन का साया वायदा कुछ नहीं है, अपन को इस मुसीबत में मत फंसाओ। मैं आपके लिए मुसीबत हूँ तो मरने में कौन सी देर लगती है, ये तो जिंदगी है जो जी जी के काटनी पड़ती है। तुम अपना मरने की बात में अपन को काय को घसीटता है बाबा, अपन को जेल भिजवाने का है क्या? आप ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए, आप मेरे पति परमेश्वर। तो फिर पति परमेश्वर का बात मानो ना बाबा, जैसा चंदू दादा और चंपा भाई बोलता था करो ना। मैं जानती हूँ वो आपके माता पिता नहीं है, फिर भी सच्चे दिल से उनकी सेवा करूंगी, लेकिन मेरे तन और मन की पवित्रता सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। खोपड़ी का बात बंद करो, वो शादी वादी सब बंडल था, हम यहाँ से किराए का दूल्हा बनकर गया था, तुम समझा? आप क्या बनकर गए थे वो आप जाने, मैं आपकी धर्मपत्नी बनकर आई हूँ, धर्मपत्नी बनकर रहूंगी। लेकिन जो लोग हजारों रुपया खर्चा करके तुमको इस धंधे में लाया, वो इसलिए लाया कि तुम अपन के भगवान का पूजा करेगा और वो आग बन करके खड़ताल बजाएगा। अब तुम वो गांव वाला सरिता देवी नहीं, अब तुम सरिता बाई हो, सरिता बाई, समझा तुम? ये रंडी का कोठा है, इधर लोग छोकरी का चलत फिरत देखता है, रंग देखता है, रूप देखता है, और तुम्हारा जैसा छोकरी तो बड़ा बड़ा सेठ का छुट्टी कर दे सब। अब तुम धंधे से लग जाओ और अपन को भी अपना धंधा देख ले दो, समझा? क्यों रे जलील कमीने कुत्ते, तू
तू उस देवी को फिर इस जहन्नुम में वापस ले आया जहाँ से मैंने मन्नतें मांग मांग कर उसे निकाला था। ए भाई, अपन की तरह उस यार के माफक ट्रक के नीचे दबकर मरने का शौक नहीं है। अपन तुम छोकरी लोग के वास्ते गिराक लाता है और कमीशन खाता है पिंडदार। खुश नसीब थी तेरी अम्मा जो मर गई, वरना तू उसकी भी कमीशन खा जाता। क्या कहा? अरे कुत्ते, निकल यहाँ से, वो है तेरी जिंदगी पर। अपने रस्ते में बसंती माला मिला। अरे वो नरगिस भाई, उसने अपन को धर्म ग्राम का भाषण देकर अपन का माथा खराब कर दिया। चल अपन के पास पैसा, अपन कुछ इंग्लिश दारू पीकर और मौज मजा करेगा। चल चल गुरु, चल बाय बाय। आज अपन दोनों के लिए इंग्लिश डालो, एकदम आखा पता मांगता अपन। यस सर, आज अपन दोनों इंग्लिश पीगा एकदम बिंदा। आज अपन इंग्लिश पीकर अंग्रेजी बोलेगा। इंग्लिश ब्लैक नाइट लाओ और पूरा नाइट कर दो। आज अपना प्रिंस रामू कैश लेकर ऐश करने निकला है। प्रिंस हाँ Prince, wow! Oh, wow! Hey, Prince is here! Hi, folks! House and the Prince! Oh, yes! House! Dekha, Prince, aaj idhar kitna bada izzat hua hai tumhara! Aaj pura patli pita chakku! Aaj tera Prince Ramu! इस अंग्रेजी शराब से एक रंडी और उसकी लेक्चर की गंदी याद को धोकर साफ कर देगा। भट्टी में चला देगा उस साली नरगिस को भी और उस नई छोकरी को भी। हाँ, ये ताल का। अपन तेरे को इससे भी बढ़िया माल दिलाएगा। वो चूली कट्टा है ना, अपन तो चलेगा 40 के अधिक दे। बिजनेस लाया? कसम तेरे जवानी के, आज अपन प्रिंस रामू बोला। हेलो आंटी, तुम्हारे पास पैसा है?
400 रुपए अपन दोनों को गुड टाइम मांगता है। मेरी चॉकलेट आज अपन दोनों रईसों की तरह ऐड करने निकला है। आज अपन कस्टमर तुम ब्रोकर और ये रहा कमीशन। कम ऑन प्रिंस, कम ऑन। मेरे शानदार आर्टिस्ट डियर आर्टिस्ट जूली और मार्था मेरे साथ दोनों। ओ शोर जूली बारा प्रिंस और चिंच पोगले हैं। हेलो राम। हेलो छक्कन। कम ऑन माय डार्लिंग। तुम्हारा ग्राहक किधर है? किधर है, किधर है ग्राहक? आज प्रिंस रामू और उनका प्यादा छक्कन ग्राहक है। व्हाट बिंदास, अपन ने कैश पेमेंट किया है। अपन का रुपया बराबर 100 पैसे का बराबर है मैन साहब। रामू दल्ला आंटी गाय को चिल्लाता है जुली। यू पागल बुढ़िया तुमको शर्मा मानता है। तुम अपन गंदा लोगों को अंदर लेता है। ये सब दल्ला लोग है। ये कमजोर जिस बिस्तर का कमाई खाता है उसी बिस्तर पे ये कमीना लोग खुदारा मानता है। अपन ने किसी गिराक से कम पेमेंट नहीं किया है। 500 रुपया दे रहा है तुम रंडी लोग को। तुम ये रुपया किधर से लाया है? हमारी ही जैसी किसी दूसरी बहन को किसी और के साथ मिलाकर तुम इस गंदी कमाई से हमारे साथ आना मानता है। हम बाजारी औरत है लेकिन हमारा भी कोई इज्जत है। तुम गटर का कीड़ा है। गटर से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। गेट आउट यू डर्टी बास्टर्ड। ये लो अपनी गंदी कमाई का गंदा पैसा। हम बाजारी औरत तुम दलाल लोग से ऊंचा है, समझा? मोटा सेठ तुम कितने दिन बाद आया। हम तुम्हारा बहुत लेट किया। कम इन। तुम ये पैसा किधर से लाया है? तुम ये पैसा किधर से लाया है? ये लो तुम्हारा इनाम। और उसे जाकर साफ साफ बता दे कि वो तेरी बीवी नहीं है, वो धंधे के लिए यहाँ लाई गई है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चंपा भाई, अपन जाकर उसको खुला खुला सब बोल देगा। एकदम बिंदास। शादी के साथ के हर फेरे का 200 रुपया चलेगा? दौड़ेगा दादा दौड़ेगा, बिल्कुल बिंदास। आप क्या बनकर गए थे वो आप जाने। मैं आपकी धर्मपत्नी बनकर आई हूँ, धर्मपत्नी बनकर रहूंगी। ना मेरा धर्म किराए का है, ना मैं किराए की, ना ही भगने किराए की थी जिसको साक्षी मान के आपने मुझे अपनाया था। अपन का उस महादेवी से कोई मतलब नहीं है। अपन को ये भाषण मत दो और मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। वो तुझे गटर से उठाकर भगवान बना रही है और तू उसे मंदिर से उठाकर गटर में फेंक रहा है। मुझे मार डालो, बेकार कर दिया अपन को। मुझे वहां मत ले जा। जी रामू, आज तुमने अपने पेशे का सर ऊंचा कर दिया और साबित कर दिया कि उनमें भी खानदानी शराफत मौजूद है। इससे कभी कोई भूल हो जाए तो नादान समझ कर माफ कर देना। मैंने इसे कभी भूतों की झड़े भी नहीं मानी। अब तुम वो काम वाला सरिता देवी नहीं, अब तुम सरिता भाई हो। सरिता भाई समझा? खुश नसीब थी तेरी अम्मा जो मर गई, वरना तो उसके लिए कमीशन खा जाता। क्या कहा? अरे कुत्ते निकल यहाँ से, तो है तेरी जिंदगी पर। वास्ता वास्ता तो तुम्हारा उसने एक लड़की से भी नहीं है जो तुम्हारी वजह से इन कटहरों में पहुंचेगी। अम्मा जो मर गई, वरना तो उसके लिए कमीशन खा जाता। अरे कुत्ते निकल यहाँ से, तो है तेरी जिंदगी। वास्ता तो तुम्हारा उस नेक लड़की से नहीं है, तुम्हारी वजह से इन कटहरों में पहुंचेगी। इसके तो नादान समझ कर माफ कर देना। मैंने इसे कभी फूलों की छड़ी भी नहीं मानी। तुम ये रुपया
किधर से लाया है? हमारी ही जैसी किसी दूसरी बहन को किसी और के साथ मिलाकर तुम इस गंदी कमाई से हमारे साथ आना मानता है? अरे यहाँ तुम बैठ कर रामू, अपन अपन तो नजर से गिर गया है ना, अपन को कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ पड़ता है। रामू आज तो अपन की समझ में एक ही बात आया कि मर्द कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो उसकी बीवी से अपना भगवान ही मानती। अपन का आज तक ऐसे औरत से रिश्ता रहा है जो रंडी, लेकिन दूसरा लोग औरत का पाँव छूकर बोलता है माँ तुमने बहुत नेकी की है, उसमें से थोड़ा सा नेकी अपन को दान दे दे। एक औरत का हाथ से राखी बनवा कर बोलता है बहन अपन अपना जान देकर तुम्हारा रक्षा करेगा, अपन का माँ नहीं बहन नहीं कोई नहीं छकू। एक गरीब इज्जत वाला घर से एक देवी को बीवी बनाकर लाया था, अपन उसका भी कमीशन खा गया रे, अपन उसका भी कमीशन खा गया। अरे अपन अपना खुद का नहीं बना तो दूसरे का क्या बनेगा रे? अपन को इंसान से भगवान तक कोई भी माफ करने वाला नहीं छकू, कोई भी माफ करने वाला नहीं। छोड़ दो। हम कितने मजे से सो रहा था, हमारे खाब में खलल डाला भी तो किसने? एक नैन दुखी धल्ले ने। दूसरे बार अल्लाह का तो जान ले लूंगा। जान ले लेगा तो फिर दल्ला के लिए क्या कोतवाली हवालात में जाकर करेगा? अपनी इज्जत खुददारी को रख ताक में और जरी जीना चर के देख किस तरियों हीरा शेर तेरी घरवाली को अपना जाति नगीना समझ कर पड़ गया। खड़े खड़े फर्श पर इस तरियों डूब मरेगा कि नुक्कड़ वाली की कसम खुदी को तरसेगा। कीमत पूरी बात दे के आया हूँ, जा अपनी कमीशन ले ले। सुंदरी को इधर भेज, बख्शीश बाद में मिलेगी। तेरी मौत तुम्हें क्या मौत पे आज अपन को निर्जम दे रहा था। वो रामू दल्ला मर चुका और उसका मस्ती से एक नया इंसान उभरा है जो अपनी बीवी को लेने आया। आज दुनिया का कोई भी शैतान अपन को नहीं रोक सकता दादा, अपन उसको चीर के रख देगा। ये अपन का बीवी है और अपन इसको लेके जाएगा। गोल धल्ले अपनी औकात भूल गया था। दादा मेरे रमेश को बचा लो। बहन मेरे रमेश को बचा लो। मैं थोड़े पाँव पड़ दियो, मेरे रमेश को बचा लो। रमेश। Thank you.
कल से इसकी बीवी की कमाई में थी, एक हड्डी कुत्ते को भी डाल दिया करता। चल हट परे। पापा, ये लड़की ना धंधे पर बैठेगी और ना ही तुम इस पर कोई जुल्म तोड़ोगी। चुगो जवान रहो रानी, कोठा मेरा, ऐशो आराम मेरी मेहरबानी की खैरात। अगर दाना पानी तुम्हारी तकदीर का है भी तो राशन के पैसे तुम्हारी बीमार अम्मा भेजती है, उस कोक जली के इलाज के लिए भी मनी ऑर्डर मैं भेजती हूँ। वो भी कौन सी तुम्हारी पुरखों की कमाई होती है? हम कमाती है। मैं कहती हूँ तुम इसे धंधे पर नहीं बिठाओगी। मैंने तुझसे अपने फैसले के बारे में राय कब मांगी? तुम अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ने की गुस्ताखी कर चुकी, अब बड़े अदब के साथ दो कदम पीछे हट जाओ। लो हम भी आ गई, आप किस किस को धकेलोगी? धर्म कर्म वाली हराम जादियों, उन बेशुमार गंदे चूहों का कुछ हिसाब है जो आज की इस तीर्थ यात्रा से पहले तुम सब खा चुकी हो? एक ही गंदगी को निगलना बाकी है चंपा बाई, और वो तुम हो। चंपा के साथ हम भी है, और अब हमारी जगह पर इसकी तेज धार तुम्हारी सुनेगी और तुम्हारे कलेजे में उतर कर अपनी कहेगी। ये धंधे का टाइम है, ले जाओ उसे, और होश आने पर इसको कह देना कि अगर इसने मुजरा करने से इनकार किया तो कल प्रभात होते ही अपने पति परमेश्वर की चिता को आग देने के लिए तैयार रहे। चंदू, मौत भी एक लॉटरी है जिसका टिकट हर किसी की जेब में है, और अल्लाह की कसम अब ये लॉटरी सिर्फ तेरी ही नहीं। हरामजादी, चंदू दादा से दबाल लड़ाती है तू, खबरदार। जाओ अपने अपने धंधे से लग जाओ, जाओ यहां से। अगर तूने आज मुजरा नहीं किया और तमाशबीनों से खेल नहीं खेले तो कल सुबह तक तेरे रामू को मार डालेगा। ये नहीं हो सकता, आज मैं अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। भरोसा कर लिया
कीजी है चंपा बाई। मुझे कसम है उस परवरदिगार की कि मेरे होते हुए मेरी चैन की इज्जत पर कोई हाथ नहीं डालेगा। इससे पहले कि तू इन शौकीनों के हाथ रोके मैं तेरी गर्दन नहीं मरोड़ दूंगी। चल मेरी बहन, आज इनमें से कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना बिगड़ना और बनना किस पापन ने देखा है दीदी? मैं तो अपने पति का जीवन बचाने के लिए तड़प रही हूँ। लो बेटी वालों, तन और मन की हर भूख मिटा लो। बेटी आज बाप के सामने नंगी होने लगी है। बहनों के भाइयों, बहन आज भाई के सामने नंगी होने लगी है। मिटा लो अपनी सारी अवस्था। पागलपन है। अगर बोरी न रहे तो मैं इस मिट्टी के पुतले का क्या करूंगी दीदी? धरती कहाँ फटेगी और मैं इसे कहाँ झोंकूंगी? एक वो वक्त था जब तुमने कौसर और गंगा का पानी पिलाया था हमें, और एक ये वक्त है सरिता कि जब तुम खुद गंदे नाले की सड़ांग में लौटने और नहाने के लिए तैयार हो गई हो। मेरे जीते जी ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, समझी? तुम कब तक जिंदा रहोगी इसका फैसला तुम्हारी तकदीर नहीं, हम करेंगे। ऐ मजबूरों की मददगार, मेरे अल्लाह मेरी मदद करना। चंदू इसकी अच्छी तरह खबर लो। चंदू जिंदगी मौत के देने वाले खुदाया, ये कत्ल मेरा हक नहीं था, मेरी मजबूरी थी। चंपा, एक दिन तुम लोगों ने आफताब के खून से मेरी मांग भर दी थी, आज मैं तुम्हारी मांग चंदू के खून से भरती हूँ। पुलिस स्टेशन तो अब हम दोनों एक साथ ही चलेंगे। पहले मैं सरिता को रमेश के हवाले करके अपने उन गुनाहों को हल्का कर लूं जो मुझे मजबूरन इस जहन्नुम में करने पड़े। तू इसे ले जाने का सोच रही है? मैं तुझे उस मझधार में फेंकूंगी जहां दूर तक ना खुदा नजर ना आए। ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। चंपा तू कहा करती थी यहाँ आने के रास्ते हजार है, जाने का कोई नहीं। आज मैंने सारे रास्ते खोल दिए हैं। नहीं, सरिता यहाँ से नहीं जाएगी। सरिता तो जाके रहेगी चंपा। चल सरिता। अरे अरे कोई पकड़ो इसे, कोई रोको। आज हमारे जमीर जाग उठे हैं। जागे हुए जमीर ना कभी बिके हैं और ना ही कभी बिकेंगे। मेरी बदनसीब बहनों, तुम सब भी गुनाह और जिल्लत के इस जहन्नुम से निकल जाओ। लेकिन हम यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ? समाज हमें ठुकरा देगा। तुम इस जलील पेशे को ठुकरा कर नीचे उतरो और फिर देखो यही समाज तुम्हें किस प्यार और हमदर्दी से अपनाता है। चल सरिता। जा मेरी नसीबों वाली बहन, आज इन कोठों वाला रामू एक इंसान बन गया है। अल्लाह तेरा सुहाग सलामत रखे।
और जो भी इस गुनाह के जहन्नुम को छोड़कर जाना चाहे जा सकती है। आज इस बाजार में कोई भी चंपा हम में से किसी को जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हर चंपा पहले ही अपने गुनाहों की मारी हुई है। लेकिन उस धर्म करम की नगरी में रामू बल्ला खुद क्या खाएगा और क्या इसे खिलाएगा? चंपा बाई, अपन इसको इस हाथ का मेहनत कर रोटी खिलाएगा, बाप का नहीं। अपन इसको रेशम न पहना सका तो क्या हुआ, अपन इसको इस आबरू में ढक कर रखेगा। ये हाथ देखती हो चंपा बाई, ये चिता भी जलाते और कबर भी खोदते, मंदिर और मस्जिद भी यही हाथ बनाते हैं। चंपा बाई, अपन चिता बहुत चला चुका, अब अपन मंदिर बनाएगा मंदिर। खुश रहो मेरे भैया, जाओ